नटी जी पे बैठ क्या करने और एक्शन रुक गई, हाथ ढाई पास एंड बदल तो रुको, स्माइल गो लेफ्ट की तरफ उसको तो ये मास्क लेके आए थे रजत के पास, कैसे देख मुझे पता है तो तेरा मुंह सूख रहा है ना, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन जी। वन मैं कुछ और रोलिंग मैं रजत को तो पता नहीं था इस बारे में, पर वो जब मिंटी जी के साथ में घर पे आया अपनी मॉम के साथ, तो उसको घर पे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला जो कि अनु ने प्लान किया था उसके लिए वीर के साथ मिलके। सो जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने, सो ही इज़ वेरी हैप्पी जब उसे पता चलता है कि उसके लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, फैमिली फ्रेंड्स और एक बड़ा सा केक और एक पोएम भी अनु ने कही उसके लिए। सो ही इज़ वेरी हैप्पी। फिलहाल तो रजत एक ही चीज़ सोच रहा है कि अनु जो है वो वीर और अनु के बीच में कुछ अगर है तो ऐसा कुछ सामने ना आए, तो रजत की विश तो यही होगी कि वीर और उसका कुछ चक्कर ना निकले। आप और अनु है और वीर कहाँ से है? वीर जो है उनके ऊपर रजत को काफ़ी शक हो रहा है क्योंकि वैसे तो वो रजत का फ्रेंड था लेकिन टाइम ज़्यादा अनु के साथ बिताता है आजकल, और कोई भी हस्बैंड जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी नई नई शादी हो, उसके साथ ऐसा हो तो उसे आप पोजेसिवनेस कहिए, इनसिक्योरिटी कहिए या फिर बहुत सारा प्यार कहिए, उसकी वजह से थोड़ी जेलसी तो आती है। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, गिविंग अस योर लव, कीप लविंग अस द सेम वे और देखते रहिए शास्त्री सिस्टर्स। थैंक यू।